सरपंच जी से बात करनी पड़ेगी। बहुत दिन हो गए चोरी होते होते इस गांव में, कभी तुम्हारे घर में होती कभी मेरे घर में होती है। चलो सरपंच जी से बात करते हैं। चलो सरपंच जी देखो बात ऐसी है, गांव में बहुत मोटी चोरी हो गई। हाँ वे कितनी मोटी चोरी हो गई? क्या बहुत चोरी हो गई? नहीं सरपंच जी वो मतलब नहीं है मेरा, बहुत मोटी चोरी हुई है पैसों की। सरपंच जी देखो बात कुछ ऐसी है, गांव में दिन पे दिन चोरी बढ़ती जा रही है, इसका कुछ समाधान करो और गांव के सभी लोग परेशान। देखो गांव वालों मुझे एक दिन का टाइम दो, मेरा लड़का बेंगलोर से आ रहा है, भाई इसका कुछ समाधान निकालेगा। चलो भाइयों कल देखते हैं चलो। अरे सरपंच जी कहाँ रह गया तुम्हारा लौंडा? हाँ टाटा तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे कंधे पे हाथ रखने की? डेढ़ महीने से अपने लौंडे का इंतजार कर रहा हूँ, तब आके मैंने ये नए कपड़े पहने। अरे सरपंच जी ऑटो आ गो। ऑटो? अरे मेरा मतलब टेम्पू। तूने हाथ रख दिया? तेरी बहन को कमीन बेटे तू पढ़ा लिखा है, गांव में आए दिन चोरी होती रहती है, कभी इसके घर में कभी उसके घर में, इसका कुछ समाधान निकाल। पढ़ा लिखा ही तो ना हूँ बाबूजी, चोरी से बचने के लिए हमें खोलनी पड़ेगी गांव में बैंक। बेटे ये बैंक क्या होगा? बैंक ये होती है हमारा पैसा सुरक्षित रहता है सभी का, जब मन में आए पैसा निकालो और जब मन में आए पैसा डालो, पैसा तुम्हारा एकदम सुरक्षित रहेगा उसमें। अच्छा बेटे, बेटे ये तो बड़ी बढ़िया चीज़ है, ये बैंक खुलेगी कैसे? भाऊजी इसके लिए हमें डीएम को एक पत्र लिखना पड़ेगा, उस पत्र के द्वारा अप्रूवल आएगा, जब गांव में अधिकारी आएंगे लगाने के लिए, सबको तुम इकट्ठा करके सबका खाता खुलवा देना और पैसे जमा करवा देना, ठीक है भाऊजी? ठीक है बेटा, ठीक है। ले बेटे कापी ले पेन और ले डीएम साहब को पत्र। बाबू जी कहते आगे मूत रहे हो तुम, ले कापी ये ले पेन, लिख दूंगा आराम से लिख दूंगा, अभी तो आया हूँ मैं, चाय पानी रोटी पानी की तो तुमने पूछी नहीं, डीएम को पत्र लिख दे, भूखा पैसा आया हूँ मैं बेंगलोर से। ठीक है गाँव वालो आप अपने अपने घर जाइए, इसका समाधान कल निकलेगा। बहुत बढ़िया है, सेफ है, पुलिस से बचने का यही एक रास्ता है इसी गांव में। पाँच छह दिन व्यतीत कर देते हैं यहीं पे, फिर पाँच छह दिन यहीं शौक से काटो आराम से, पुलिस वालों को भी टेंशन नहीं है, कोई खटका नहीं। बाबूजी बैंक वाले आ गए, बैंक वाले आ गए, बैंक वाले आ गए। दो मीटर की दूरी से बात कर, बैंक वाले आ गए, बैंक वाले आ गए। चांद पे बैठ जा मेरी। बैंक वाले ही हो तुम? कहाँ है बैंक वाले? हम ही तो है बैंक वाले, सॉरी भूल गया था बैंक वाले। बैंक वाले बाबूजी यही बैंक वाले, इनको ले चलो बैंक लगवाने गांव में। चलो देखो गांव वालों हम खोल रहे हैं बैंक, आप सोना चांदी हीरे जवाहरात जो कुछ भी जमा कर सकते हो वो कर दो, मान लो आपने अगर 50,000 रुपए भी जमा किए, समझ रहे बात को, मान लो आपने अगर 50,000 रुपए भी जमा किए तो एक साल के अंदर हम आपको 2% की ब्याज लगा कर 51,000 रुपए देंगे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए अगर आपने अपनी बीवी जमा कर दी तो हम 9 महीने के अंदर
एक हट्टा कट्टा लूंडा पैदा करके देंगे, वो भी आप जैसा नहीं, हम दोनों जैसा मिलेगा आपको। देखो बाबूजी, फायदे की बात कह रहे हैं, देख लो अपने हिसाब से, तुम्हारी किस्म बहुत फायदा है बहुत। आपका जब जी करे तब पैसे निकालो, आपका जब जी करे तब पैसे डालो, वो भी ब्याज के साथ में मिलेगा। देखो बाबूजी, ये फायदे की बात, अगर तुझे फायदे की बात लग रही है तो अपनी मम्मी को जमा कर दे, तो तेरे जैसा एक और भाई आ जाएगा। यार तुम्हारी सर्विस बहुत अच्छी है, ऐसा तू नहीं कहीं तुम पैसे वैसे लेकर भाग जाओ। अब तुम्हें पता है आदमी को पैसे का मामला, डर तो लगा ही रहता है। तुझे मैं कहीं से चोर लग रहा हूँ? अरे भाई चोर वाली बात नहीं है, मैं बात बता रहा हूँ, पैसे का मामला है इसलिए। सरपंच जी, कितने? 1.5 लाख रुपए। आप पूरे 1.5 लाख में फिर दो, इधर आके शान कर दो तुम। पकड़ो एक्ट। धर्मेंद्र बरोटिया। जो सर जी। कितने? 3 लाख सर जी। सब पूरे 3 लाख चढ़ाऊंगी, इधर आके साइन करो तुम। पेन दे दो सर जी। हाँ पेन ही है अपनी। नीचे वाले, नीचे वाले, सेकंड 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 बॉय। ये लो आपके पैसे खाते में जमा हो गए, ये लो रसीद, आप जा सकते हो। साहब बन गया, अब कोई रह गया है? हाँ साहब मैं रह गया हूँ। मैं सिप्पी डोमर जी। साहब आओ, क्या तुम्हारे पास? लग रहा है साहब ये 2 लाख असली है? नकली है? असली है, चेक करो ना साहब। आप साथ चेक करना, सही है। अच्छा 2 लाख की है? हाँ 2 लाख, 2 लाख में। 2 लाख में रखना चाहते हो तुम? जी जी। देखो हमारे हिसाब से ये 1.75 की बैठ रही है, 1.75 में रखे हम आपका काम करा सकते हैं। मैं 2.5 लाख की लाया था, ऐसे 2 लाख में आपको आपके पास रखना है। चलो ठीक है, 2 लाख दे देंगे। ठीक, ये लो आपको स्पेशल चेक दिया जा रहा है। साहब सिग्नेचर भी करना है मुझे कहीं? हाँ सिग्नेचर इधर करना है आपको, आपका गोल्ड है ना, गोल्ड का सिग्नेचर तो जरूरी होता है। ये पकड़ो तुम और इधर सिग्नेचर करो। तुम इस वाले पेज पर करो, तुम्हारा अकेले आदमी का गोल्ड है ना, बाकी पैसे जमा करके गए ना। ठीक है, आप जा सकते हो। ठीक। अनिल मस्ताना साहब, 19,500 है जी। एक मिनट गिन लेता हूँ अभी। बिल्कुल साहब, साहब 19,500 ही फिट करो, इधर आके साइन करो तुम। इसी पर और ये अपनी रसीद ले जाओ। कल भी आओ, कल कर दूंगा जमा। और नहीं नहीं जा सकते हो आप। ₹6,32 सर, 2 रुपये खुले और दे रहा हूँ सर। लाओ लाओ, ये वाले जमा कर रहे हैं साहब। पूरे इनके ही फिट करो, दोबारा से चेक करो साहब। चेक कर लिए ना पूरे, ये पूरे ही है साहब, पूरे हैं। दर्शन करो तुम भी। हेलो साहब, गांव वाले तो चले गए। रखी पैसा? रख लो, रख।
सुनो गांव वालों, बाहर निकलो सभी। सरपंच ने हमारे साथ धोखा किया है, वो दोनों आए थे बैंक लूट के ले गए। बात तो सुनो मेरी, क्यों ले जा रहे हो मुझे, मैंने क्या किया है? अरे भैया रे, अरे हरे सरपंच, तूने और तेरे लोंडे ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे खून पसीने कमाई तूने एक झटके में लुटवा दी पूरे 15 लाख रुपए। बाबूजी बहुत मारा है इनने मुझे। काय को आग मूत रहा है, बात क्या है, बात बता। बात कुछ नहीं है, बात ये है जो तुमने दो लोंडे बुलाए थे बैंक वाले, वो बैंक लूट के भाग गए। क्या बैंक लूट गई? बाबूजी बाबूजी इतनी जल्दी कैसे चले गए? तो हेलो गाइस, राम राम सारे आने। हमारी वीडियो में आपको जो भी पार्ट अच्छा लगे हमें कमेंट में बताइए, हम उसके ऊपर काम करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। राम राम सारे आने।